तो जैसा कि आपके पास डिटर्मिनेंट दिया गया है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग द सेकेंड रो के कोफैक्टर को यूज़ करके हमें करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है किसी भी रो या कॉलम के अबाउट, सपोज हमें सेकेंड रो के अबाउट खोलना है तो क्या करेंगे हम लोग, दैट इज़ ए टू वन, तो को फैक्टर ए टू वन हो जाएगा, प्लस ए टू टू, को फैक्टर ए टू टू, और प्लस ए टू थ्री, टू थ्री, और को फैक्टर ए टू थ्री हो जाएगा। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट व्हेन वी ओपन द अलोंग द सेकेंड रो। ठीक है, अब आपके पास देखिए ए टू वन, ये आपका ए टू वन है, टू दिया गया है, तो टू टाइम्स ए टू वन, और ए टू टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो टाइम्स ए टू टू, और प्लस वन टाइम्स आपका हो जाएगा ए टू थ्री। तो क्या कैलकुलेट करना रह गया, आपको कैलकुलेट सिर्फ करना रह गया को फैक्टर ऑफ टू वन ए टू वन और को फैक्टर ऑफ ए टू थ्री, है ना, इसके तो कैलकुलेट करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो हो गया, तो से इक्वेशन नंबर वन हो गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ए टू वन। ए टू वन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन, और माइनर हो जाता है एम टू वन, और माइनस वन की पावर टू प्लस वन आठ होता है तो क्या हो जाएगा माइनस वन, और एम टू वन का तो दूसरा रो और पहला कॉलम एलिमिनेट कर दीजिए, क्या बचेगा थ्री टू, थ्री टू और एट थ्री, तो दैट कम्स आउट टू बी नाइन, और माइनस कितना हो जाएगा सिक्सटीन, ये बचेगा सेवन माइनस का, और ये माइनस पहले से वन है तो प्लस का सेवन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या निकालना है आपको, ए टू थ्री, टू थ्री दैट इज माइनस वन टू द पावर टू प्लस थ्री एम टू थ्री, ठीक है, माइनस वन की पावर ऑड है, फाइव है ना तो ऑड है तो माइनस आ जाएगा, और टू थ्री क्या हो जाएगा, दूसरा रो आप एलिमिनेट कर दीजिए और तीसरा कॉलम एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका बचेगा फाइव वन और थ्री टू, फाइव वन थ्री टू, तो फाइव टू जा टेन और माइनस थ्री सेवन हो जाएगा, और इधर माइनस वन है दैट कम्स आउट टू बी माइनस सेवन। अब वैल्यू यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन वन डेल्टा इक्वल्स टू टू टाइम्स कितना हो जाएगा आपका सेवन, और प्लस कितना हो जाएगा आपका माइनस सेवन, तो दैट कम्स आउट टू बी प्लस सेवन, दैट इज योर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट।